वीडियो देखने से पहले यह लीगल डिस्क्लेमर अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। जय सच्चिदानंद मित्रों, इन दिनों न्यूज़ में यह चर्चा है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आ सकती है। यह भी चर्चा है कि इस तीसरी लहर में बच्चे शायद सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। क्या आपका बच्चा इस तीसरी लहर के लिए तैयार है? क्या आपका बच्चा इस महामारी की तीसरी लहर में स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से रह पाएगा? यही आज हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लीगल डिस्क्लेमर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा जो वीडियो के प्रारंभ में दिया गया था। मित्रों, अभी भी हमारे पास कुछ समय है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमारे बच्चों की रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी हम बढ़ा दें, ताकि फिर जब भी तीसरी लहर आए तो हमारे बच्चे उसका डटकर मुकाबला करने में सक्षम हो जाए। तो इस वीडियो में हम उन चीज़ों की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, ताकि वह किसी भी तरह के संक्रमण से अपने आप को हेल्दी रख सके। तो सबसे पहले इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज दिन का एक आंवला, आंवला को इंग्लिश में गूसबेरी भी कहते हैं, उसका सेवन करें। आंवला के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। कहते हैं कि आंवला में संतरे के हिसाब से, संतरे के मुकाबले 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। और अच्छी बात तो यह है कि आंवला आप किसी भी फॉर्म में खाइए, आपको लाभ ही होगा। तो कच्चा आंवला खाइए, पाउडर फॉर्म में लीजिए, जूस फॉर्म में लीजिए, अचार में लीजिए, मुरब्बे में लीजिए, या फिर कैंडी, स्वीट आंवला की स्वीट कैंडी। बच्चों को आंवला की स्वीट कैंडी बहुत भाती है। तो हर रोज प्रतिदिन एक आंवला खुराक में सेवन हो यह बहुत जरूरी है हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए। दाल, दाल के अंदर जिंक अच्छी मात्रा में है और जिंक भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत सहायक है। तो दिन में एक कटोरी बनी हुई दाल अपने बच्चों को अवश्य दे। दाल को स्वादिष्ट बनाइए ताकि बच्चे अच्छे से दाल खा सके। सुबह 5 राउंड और शाम को 5 राउंड भ्रामरी प्राणायाम करने की आदत लगाएं। ऐसा कहते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम से हमारे फेफड़ों के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और नाइट्रस ऑक्साइड एंटीवायरल है। तो नाइट्रस ऑक्साइड संक्रमण को अपने फेफड़ों में बढ़ने नहीं देता। अब किस तरह से भ्रामरी प्राणायाम करेंगे? बहुत सिंपल है, कान को अंगूठे से बंद करेंगे, आंखों को बाकी की उंगलियों से बंद करेंगे, लंबा सांस लेंगे, मुंह बंद रखेंगे और मधुमक्खी जैसे मुंह करती है ना, उस तरह से करते हुए हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। भ्रामरी प्राणायाम भी इस महामारी में संक्रमण से बचाने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।
सुजोक एक्यूप्रेशर। हमारे हाथ के ये जो हिस्सा है ना, ये जो फूला हुआ हिस्सा है, इस फूले हुए हिस्से को सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट इस तरह से एक्यूप्रेशर दीजिए। अगर बच्चे खुद नहीं कर सकते तो पेरेंट्स उनको माइल्डली इस तरह से एक्यूप्रेशर पॉइंट दे सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट फर्म होना है लेकिन हर्टफुल यानी कि पीड़ादायक नहीं, बहुत ज्यादा पीड़ादायक नहीं होना चाहिए, फर्म लेकिन जेंटल, पीड़ादायक ना हो। सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट इस हिस्से, ये जो फूला हुआ हिस्सा है उस पर सुजोग एक्यूप्रेशर दीजिए। प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा किसी भी तरह के संक्रमण से अपने को, अपने शरीर को बचाने में बहुत महत्व का भाग प्ले करती है। प्राण मुद्रा से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। जब भी बच्चे फ्री हो, टीवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब भी हाथ फ्री हो उनको आदत लगा दीजिए इस तरह से प्राण मुद्रा करेंगे। प्राण मुद्रा करने के लिए हमारे अंगूठे के टिप को हमारे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के टिप से जोड़ दें और बाकी की दो उंगलियां सीधी रहेगी। दिन में जब भी उनका हाथ फ्री हो तब यह प्राण मुद्रा लगा के बैठे। कोई मेडिटेशन या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी हाथ फ्री हो, टीवी देखते, वीडियो देखते, बातें करते, ट्रैवल करते, यह प्राण मुद्रा लगाई जा सकती है। और बहुत महत्व है, रात को सोते टाइम ये माइक्रोपोर मेडिकल पेपर टेप है जो 20 या 30 रुपए की मिलती है पूरा उसका राउंड स्पून, और वो कम से कम हफ्ता 10 दिन चलता है। तो ये जो है इसको एक हल्का सा, एकदम हल्का सा, टाइट नहीं है, नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, टाइट हल्का सा राउंड, सिर्फ एक राउंड प्राण मुद्रा करके उसको चारों ओर लगा देना है। पहले 2-3 दिन थोड़ा खिच-खिच, थोड़ा असुख जैसा होगा, लेकिन उसके बाद फिर आदत पड़ जाती है। रात को सोने से पहले इसको लगा लें और सुबह उठने के बाद यह पेपर को निकाल के फेंक दें। तो इस तरह से जितनी रात को हम नींद लेंगे उतने समय में यह प्राण मुद्रा लगी रहेगी, तो वो बहुत फायदेमंद होगा। बच्चे को रात को यह प्राण मुद्रा टेप मार के सोने की आदत लगा दीजिए। इससे बच्चे की थकान भी बहुत कम हो जाएगी, उसको बहुत थकान भी नहीं होगी, उसकी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छी हो जाएगी और उसको नींद भी बहुत गहरी आएगी। सुबह जब बच्चा उठेगा तो एकदम फ्रेश उठेगा। तो रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ बाकी भी बहुत लाभ है इस प्राण मुद्रा के। जब भी बच्चा घर के बाहर निकलता है तो जो भी खुला हुआ हिस्सा है और नॉस्ट्रियल्स, नाक की नासिकाओं में हल्का सा खाने का कोपरेल तेल, खाने का कोपरे का तेल, एडिबल कोकोनट ऑयल लगा दीजिए। नाक में ऐसा हल्के से उसको करके, बस ऐसे नाक में जेंटली इस तरह से बाहर के हिस्से में, नासिका के बाहर के हिस्से में लगा दीजिए। और पूरा जो एक्सपोज पार्ट से, खुले पार्ट से, जैसे मुंह हो गया, सर हो गया या हाथ हो गया, पैर हो गया, वहाँ पर घर में से निकलने से पहले खाने का कोपरे का तेल अवश्य लगा के निकले। घर से जब भी बाहर निकले बच्चों को मास्क अवश्य पहनने की आदत डालिए, क्योंकि मास्क बहुत हमको प्रोटेक्ट करता है इस महामारी में। गवर्नमेंट की और मेडिकल
हर गाइडलाइन खुद भी फॉलो कीजिए और बच्चों को भी फॉलो करवाइए। सुबह उठते टाइम और रात को सोने से पहले आदत डाल दीजिए कि बच्चा यह प्रार्थना यह प्रेयर करके ही रहे। बहुत सिंपल प्रार्थना है, प्रार्थना में सिर्फ इतना कहना है, जिस भी भगवान को अल्लाह को जीजस को आप मानते हो उनका स्मरण करते हुए, जैसे मैं दादा भगवान में मानता हूँ तो मैं दादा भगवान का नाम लूँगा, आपको जो भी आपके भगवान हो तो इस तरह से प्रार्थना कीजिए, हे दादा भगवान मेरे से किसी भी जीव को, फिर वह इंसान हो, पेड़ पौधे हो, कीड़े मकोड़े हो, जानवर हो, मच्छर हो, किसी भी जीव को बिल्कुल भी दुख न पहुंचे। बस यह प्रार्थना सुबह भी कराने की बच्चे को आदत डालिए उठते ही, और रात को सोने से पहले भी आदत डालिए। मित्रों अगर यह सब चीज हम करेंगे ना तो हमारे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी, और अच्छी इम्यूनिटी से वह किसी भी तरह के संक्रमण को इस महामारी के दौरान अच्छे से डील कर पाएगा और अपने आप को हेल्दी रख पाएगा। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ करुणा और कंपैशन ही है। हम चाहते हैं कि यह महामारी कम से कम मनुष्यों को हानि पहुंचाए। हमारा भाव उद्देश्य हमारी नाम, हमारा नाम हो, नेम फेम मिले, हमें पैसा मिले, हमारा कोई ऐसा स्वार्थ का भाव नहीं है इस वीडियो बनाने के पीछे। यह वीडियो हर बच्चे के पेरेंट्स को जरूर पहुंचाइएगा ताकि अगर तीसरी वेव आती है इस महामारी की तो हमारे बच्चे अच्छे से हेल्दी रह पाए उस दरमियान। बेटर है ना कि आग लगे फिर पानी न ढूंढे, पहले से ही कुआं खोद के रख ले ताकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आए तो हम उसको बहुत अच्छे से डील कर पाए, है ना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय सच्चिदानंद।